नेस्ट इंडिया के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की एक एनएक्सी में मीटिंग की गई। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, और ये संस्था के सभी कार्यकर्ता इसमें अपने काम में परिपूर्ण रूप से लगे हुए हैं। करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ने वाली संस्था नेस्ट इंडिया, जिसने आज अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया। ये संस्था भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। सर जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह है, आप चालू रखिए। 28 दिसंबर 2001 के दिन, हाँ छोड़ो, खराब आएगा। आप सही है। 28 दिसंबर 2001 के दिन नेस्ट इंडिया की नींव रखी गई थी। नेस्ट इंडिया ए फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन, जो अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध सारे देश में 2001 से लड़ती है। और आज 28 दिसंबर है, इसलिए आज 17 साल पूरा होने की खुशी में हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसका मुख्य ध्येय क्या है? अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अभी तक क्या क्या कार्यक्रम कर चुके हो? हमने कई लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दहेज प्रथा के लिए लड़ा है, बेटी बचाओ के लिए लड़ा है, 48A का मिसयूज जो होता है उसके लिए कई जगह लड़ा है। लेकिन हमारे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आगे की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यही है कि आज नेस्ट इंडिया में 3 लाख मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स पूरे इंडिया से हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं लोग, और जल्द से जल्द अगले साल तक 3 का 6 हो जाए और लोगों को अधिक से अधिक हम न्याय दिला सकें, ऐसी हमारी आशा है। गुजरात के अलावा अन्य किसी राज्यों में भी इसको डेवलप किया है? पूरी तरह डेवलप्ड है, मुंबई में डेवलप्ड है, ये MP में है, पंजाब में है, हम पूरे इंडिया में 3 लाख से अधिक मेंबर हैं। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम है और मैं एक डॉक्टर हूँ, ह्यूमन डॉक्टर, और अपना खुद का क्लिनिक चलाता हूँ, जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। नेस्ट इंडिया के बारे में बताइए। नेस्ट इंडिया एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्था है, और जिसका मुख्य लक्ष्य है क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ना और क्राइम और करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना। इस NGO के माध्यम से हम जितना हो सके उतना क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं और करप्शन पर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। हमें जानते हैं कि इसको हम नाबूद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर हम कंट्रोल ला सकते हैं और हमने करके बताया है। क्राइम महिलाओं के खिलाफ, क्राइम बच्चों के खिलाफ, क्राइम हैव नॉट्स के खिलाफ और दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, जो विविध प्रकार के क्राइम होते हैं उनके खिलाफ हम ईमानदारी और वफादारी से लड़ते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का, किसी भी दबाव में आकर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। जहाँ तक करप्शन की बात है तो करप्शन, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले एक निवेदन किया है कि गुजरात के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फर्स्ट और पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पर करप्शन में आता है। हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम उसको फाइंड आउट करें और उसके खिलाफ भी हम लोगों के अंदर चेतना फैलाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं और उसके ऊपर कंट्रोल करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों को क्राइम के खिलाफ लड़ना सिखाएं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सपना शाह। हम लोग 17 सालों से नेस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं और आज 17 साल पूरी होने के मौके पे हम लोग यहाँ पे मिले हैं। और हमारा जो काम है लेडीज़ विंग में, हम जो डावरी और 498 जितने भी रूल्स हैं लेडीज़ के फेवर में, उसमें जितने मिसयूज़ होते हैं उसको हम उसका अवेयरनेस करना चाहते हैं और लेडीज़ तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अपनी फेवर में कायदे अगर है तो उसका सही से उसका इस्तेमाल करें। और हम लोगों तक यही बात आती है तो हम उसके केसेस सॉल्व करते हैं।
और सबकी हेल्प करने में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ ये है महिला विंग से बिलोंग करती हूँ, सिविल डिफेंस अहमदाबाद शहर। मेरा मोटिव ये है कि मतलब हर जगह पे मतलब जैसे आज बताया गया है, मोदी जी ने बोला है बेटी बचाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो मैं मतलब हमारे राष्ट्र की हमारे देश की सभी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिला विंग को एक पहचान देना चाहती हूँ। जिस तरह से मतलब हमारी विंग हर बार जिला कक्षा पे कुछ अचीव करके आती है, अवार्ड लेके आती है, कदम से कदम चलती है पुरुष प्रधान देश के अंदर, तो ये मैं चाहूँगी कि भाई एक महिला प्रधान देश बने और नारियों की इज्जत की जाए, उनको एक स्थान दिया जाए। जय हिंद जय भारत। और उसको हम आज का टॉपिक वो है भी नहीं, लेकिन रात के 2 बजे है, अगर आपको किसी ने रोक लिया, आप अपना कार्ड दिखाते हो, वो आपकी आइडेंटिटी है, ये मेरा नाम है, मेरा नंबर है, इसमें लिखा हुआ मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, और जिस कार्ड ने मुझे ये इशू किया है उसमें भी उनका भी नाम नंबर और मोबाइल नंबर लिखा है, उनके कॉन्टेक्ट, और वो देख के और आप यही कहना है, आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लोगों का होता है, किसी का भी परिवार अधिकतम 10 से 15 लोगों का, काका मामा चाचा कजिन गिन लो तो 10 से 15 लोगों का परिवार होता है, हम 50 लोग गिन लेते हैं उसमें दोस्तों के, यानी पूरा मिलाए तो हमारे पास अगर एक बार हम एक कॉल करते हैं तो हम अधिक कितना कॉल कर पाएंगे, 100 कॉल। मुसीबत के समय हम 100 लोगों को बुला सकते हैं, उससे अधिक हम उपेक्षा नहीं रखते कि ये आदमी को हम कॉल करें या वो आएगा। बैनर एक ऐसी चीज होती है, नेस्ट इंडिया है और भी संस्थाएं हैं, संस्था ऐसी चीज होती है कि भाई मुंबई दादर में अगर कुछ होता है तो मैं जानता हूं कि मैं उड़ के वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुरंत अपनी लिस्ट चेक करूंगा कि दादर से सबसे नजदीक में कौन सा मेंबर अपना है और जो मजबूत है। देखिए मैं एक चीज ये भी क्लियर कर दूं, जब आप सभी जानते ही होंगे, एक आदमी सब काम नहीं कर सकता, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। पंडित को अगर कह दोगे कैटरिंग संभाल ले और कैटरर को कह दोगे कि मंत्र संभाल ले तो ये पॉसिबल नहीं।